थोड़ा वाइट करता हूँ। हेलो एक मिनट, हेलो क्या बात कर रहे हैं? उतारने का ले यार काम है। चल जाने बस। क्योंकि हर तरह की फिल्म दिखाती हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा फैन क्लब है। मुझे काफ़ी नर्वस होता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाओगे तो इसको फिल्म कॉनसर पे दिखा रहे हैं, पिक्चर के मार भी सकते हैं। इसलिए काफ़ी नर्वस हूँ, बट ऐसा लगता है ना कि फिल्म लवर्स जेन्युइनली कम टू वॉच मूवीज एट मामी, तो आई एम वेरी हैप्पी। सर नर्वस है, आपका क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर शेयरिंग द फिल्म विद पीपल। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल आर एक्चुअली सीइंग द फिल्म, लाइक वी आर ऑन द आउटसाइड ऑफ फैमिली पब्लिक। सो वेरी नर्वस, वेरी वेरी नर्वस, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन। आई होप दे लाइक द फिल्म। और ये जो ऑडियंस है ये बहुत सारी फिल्म देख चुकी है वर्ल्ड ओवर, सो दे आर टफ ऑडियंस टू प्लीज, बट आई थिंक देयर फीडबैक इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। कल भी स्क्रीनिंग हुई थी, देखा जाए तो मूवी की क्या क्या फीडबैक मिले, देखा जाए तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स कास्ट को वाली सीन होती है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उनसे फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अगर उन लोगों को पसंद नहीं आई तो मैं रियली इंटरेस्टेड, खुद के कास्ट को पसंद नहीं आया तो पिक्चर तो फिर घर जाओ सो जाओ। नहीं उनको पसंद आई, हम लोग 5 बजे तक बात कर रहे थे, तो हाँ बट दैट्स वो उसका मतलब उनका वो तो फैमिली है ना, फैमिली को वैसे दिखा रहा हूँ। भाई सर इस मूवी में काफ़ी स्टंट करते हुए दिख रहे हैं आप, तो कोई खास प्रिपरेशन करनी पड़ी थी आपको? हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की थी 6-8 महीने के लिए, और जो भी एक्शन सीक्वेंसेस थे वो कोरियोग्राफ थे, तो कोरियोग्राफी सीखनी थी। अनिल सर से कितना हेल्प मिला? थोड़ा हाँ, आई मीन ऑब्वियसली एक्टिंग एक पर्सनल चीज़ है, तो आई थिंक इट्स अपनी पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन है, तो आई बिलीव इन जस्ट ट्राइंग टू बी एज ऑनेस्ट सिंसियर एंड ओरिजिनल एज आई पॉसिबल। शायद हमें जो न्यूज़ मिल रही है कल अनिल सर ने मूवी भी देखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के हिसाब से, तो उन्होंने एक रफ कट देखा है, फाइनल कट शायद अब आज आके इधर देखेंगे। ओके, और प्लस वीरे दी वेडिंग भी आ रही है आपके साथ में ही, तो कुछ नर्वसनेस एक्साइटमेंट क्या चल रहा है? आई थिंक दैट फिल्म इज गोइंग टू रियली वेल, आई थिंक दे मार्केटेड इट रियली वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर रिया बिकॉज शी इज वर्क एट दिस फॉर सो लॉन्ग, एंड आई रियली थिंक अ हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ विद दिस, रियली थिंक अ हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ विद दिस फिल्म। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट एंड दे कैन बोथ कोएग्जिस्ट एंड डू वेल ऑन द सेम।